देखो आप बाकी तो बना सकते हो ना, पहला और दूसरा तो बाकी बन ही जाएगा। कह रहा है केंद्र मूल बिंदु वाले, केंद्र जो है उसका मूल बिंदु है, और उस दीर्घवृत्त का समीकरण निकाल है जिसका दीर्घ अक्ष की लंबाई 12 है और एक नाभि जो है आपका 4.0 है। आप देखो ना, आप अगर कोई ऐसा दीर्घवृत्त बनाते हो, समझो यहाँ पे इसी तरह तो ना होगा, ये आपका एक्स, इधर एक्स डैश, वाई वाई डैश, दीर्घवृत्त आपका ऐसे जाएगा। अच्छा, और कह रहा कि एक नाभि 4.0 है, तो इधर होगा वो नाभि और इसके दीर्घ अक्ष की लंबाई दी हुई है। चलिए तो माना ये इसको एस मान लेते हैं, नाभि को एस मान लेते हैं, ठीक है। तो माना दीर्घवृत्त का केंद्र मूल बिंदु है तथा जिसका जिसका दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, तो दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पे है, तो यहां से यह 2a हो जाएगा ना। दीर्घ अक्ष की लंबाई 12 दी है, 2a यानी कि a बराबर हो जाएगा 6, और ये जो नाभि दिया है, नाभि 4.0 जो दिया है, तो ये c क्या वैल्यू हो जाएगा, c इक्वल टू 4। तो a और c आ गया, तो आपको खेल तो खाली b के लिए खेलना ना, आपको सिर्फ b निकालना है। तो b निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो 1 36 माइनस में 16 घटेगा आपका 20 हो जाएगा। तो इसको रूट करने की जरूरत क्या है, बी स्क्वायर का ही वैल्यू 20 रहने दो। अच्छा, तो यहाँ से हमें दीर्घवृत्त का समीकरण क्या मिलेगा, दीर्घवृत्त का समीकरण। तो हमने देखा था कि एक्स अक्ष दीर्घ अक्ष होगा और केंद्र मूल बिंदु होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही ना होगा। चलिए तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं 20, तो सीधे 20 रख देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 36 और वाई स्क्वायर बाई 20 बराबर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, तो बहुत सिंपल है सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर